Guys, welcome back to my channel. So today we are discussing about the recruitment of Central Railway 2020. So yeah guys, yahan pe total 215 vacancies hai, 172 for Mumbai and 43 for Pune. So ye jo bhi vacancies hai ye sirf 3 mahino ke liye hi hai, to aap apply kar sakte ho. To dekhiye mostly जो भी मेडिकल में हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है. तो टोटल 172 वैकेंसीज हैं. यहाँ पे उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ये भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन आपकी एज सभी में 18 से लेके 40 तक है या फिर 20 से लेके 40 तक है. एंड देन आपका जो ये जो जॉब लोकेशन है, ये जो भी डिटेल्स है, ये मुंबई में जो रहते हैं और जिनको मुंबई में जॉब करनी है उनके लिए है. आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है नीचे, उसकी प्रिंट निकल के उसको फिल करके आपको ईमेल करना है. देखिए यहाँ पे आप उन्होंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप उसे कॉपी पेस्ट कर लेना और फिर भेज देना. लास्ट डेट है कल की, यानी कि 6 अप्रैल 2020. एंड देखिए आपका जो भी इंटरव्यू होगा वो व्हाट्सएप के थ्रू होगा, वीडियो कॉलिंग पे 9 अप्रैल को 10 बजे से लेके 6 बजे तक. तो आपको सिर्फ वेट करना है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है आपको वो देख चेक करनी है और नोटिफिकेशन एंड फॉर्म एप्लीकेशन. हम सी हियर हम देखेंगे कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे हम यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि जो भी मुंबई डिवीजन में होगा, मुंबई डिवीजन विल बी कंडक्टिंग रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल इंटरव्यू फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज इन ग्रुप सी ऑन फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. सो दिस स्कीम विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. सो देखिए ये सिर्फ 3 मंथ के लिए ही होगा. तो देखिए आप यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है जहाँ पे आपको पोस्ट करना है, आप अच्छे से देख सकते हैं. एंड देन अगर आपको ये सब रीड करने, तो आप रीड कर सकते हैं स्टॉप करके, ठीक है. एज पर द रूल आपकी यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है. देखिए तो यहाँ पे टर्मिनेशन बी आइदर साइड ऑफ 15 डेज नोटिस एंड आपका प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं होगा. ये सभी दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है. देखिए तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये आपको पूरा फिल करके उनके ईमेल पे सेंड करना है. फोटो, नेम, फादर्स नेम, रिलीजन, सिंपल डिटेल्स आपको फिल करनी है, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, मार्क्स, आपका एक्सपीरियंस, लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, ठीक है, एज आप अगर आप एप्लीकेबल हो तो, ठीक है. तो यहाँ देखिए यहाँ पे आप सिग्नेचर करके, फोटो निकाल के या फिर स्कैन करके आपको भेज देना. तो अभी हम देखते हैं 43 वैकेंसी जो पुणे में है. तो देखिए यहाँ पे भी सेम है, MBBS डॉक्टर, स्टाफ नर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पे सिर्फ 43 वैकेंसी चाहिए पुणे में. तो देखिए यहाँ पे उनका एजुकेशन दिया हुआ है, कितने चाहिए वो दिया हुआ है. देन आपकी एज लिमिट, जॉब लोकेशन आपका पुणे में होगा, इसके लिए भी कोई भी फ़ी नहीं है ना ही मुंबई में जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी कोई फ़ी नहीं है. इसमें भी सेम आपको ईमेल में भेज देना है. इसके लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 7 अप्रैल, और इसका भी सेम व्हाट्सएप पे ही आपका मुलाकात होगा. एंड अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन. सो अब हम देखने वाले हैं पुणे का नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी. तो देखिए यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, आप देख सकते हैं. तो आप भी रीड कर सकते हैं. पुणे का भी आपका सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होगा कॉन्ट्रैक्ट,
एंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने रिटायर्ड डॉक्टर एंड स्टाफ नर्सेस अटेंडेंट हाउस कीपिंग अटेंडेंट्स ऑफ रेलवे स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। देखिए टोटल 7 वैकेंसीज फॉर CMP डॉक्टर MBBS देन स्टाफ नर्स के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है, अटेंडेंट के लिए टोटल 12 वैकेंसीज है एंड सेम एज हाउस कीपिंग असिस्टेंट। ठीक है तो देखिए आप जैसे कि मैंने अभी बताया जैसे कि मुंबई में है वैसे पुणे में भी है, सिर्फ थोड़ा फर्क कुछ अलग होगा तो आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ मेन इम्पोर्टेंट आपका पे स्केल होगा 18K से लेके 75,000 के तक। सॉरी तो आप देखिए आपके लिए अच्छा चांस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर रिटायर्ड डॉक्टर्स के लेके 46,000 पर मंथ विथ एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन पेंशन ड्रॉ रिटायर्ड डॉक्टर्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सीड द लास्ट पे ड्रॉन। ओके तो देखिए ये भी आपको दिया हुआ है तो अच्छा है सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने इयर्स तक। देखिए जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग सेम एज ऑल द अप्लाई के अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी। तो देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इसे प्रिंट निकाल के फिल करके फिर आपको उनके मेल पे भेज देना है। ठीक है तो फॉर पोस्ट अप्लाई फॉर किसके लिए आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए, देन आपका नेम, मैरिड अनमैरिड, नियरली रेलवे स्टेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज, देन कम्युनिटी, देन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बस। एंड आपको बिना किसी चूक किए आपको अप्लाई करना है। ठीक है देखिए पेंशन अगर आप रिटायर है तो पेंशन आपका PPO नंबर देन ऑल द डिटेल्स कि आपको कौन कौन से फॉर्म है आपके पास विथ सेल्फ अटेस्टेड आपको देने हैं देन आपका सिग्नेचर एंड इसके बाद आपको उसके आपके मेल पे डालना है, आपके मेल से उनको आपके उनके मेल पे डालना है और आपको वेट करना है कि कंफर्मेशन के लिए। ठीक है थैंक यू। और अगर आपको और भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।